पहले मेट्रो के पहले। थैंक यू। इलेक्ट्रिक मार्केट थी, घर भी तो उसमें। हाँ। और खेलते भी थे, मैदान भी था। क्या खेलते थे? क्रिकेट, जो मर्जी, गुल्ली बल्ला। हाँ। और अब क्या हो गया वहाँ पे? मेट्रो बना दी। तो अब कहाँ खेलने जाते हो? कहीं नहीं खेलते अब। तो खेल कुछ भी नहीं खेलते? तो फिर तुम टाइम कैसे बिताते हो? टाइम कैसे बिताते हो, क्या करते हो घर पे या बाहर? यहाँ पे क्या करते हो? पीछे भी ना बना दे। यहाँ पे काम करते हो? दुकान है तो खेलना, मतलब दुकान बंद, पूरा दिन काम करते हो, फिर खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई करते हो? क्या नाम है तुम्हारा बेबी? मनीष। थैंक यू मनीष हमसे बात करने के लिए। According to census 2011, Delhi has a population of 1,67,53,235 people, out of which 23% are between the ages of 0 and 18 years. According to NCD, there are about 15,000 parks in Delhi, but only 100 parks are available for child play. In a thesis for the Department of Industrial Design, Pinar Metin states that free play on the playground fosters children's emotional development in three dimensions: building self-confidence and self-esteem through increased performance abilities and experimenting with various emotions through pretend play. आपको क्या लगता है, जगह बची है दिल्ली में बच्चों के खेलने के लिए? देखो, मेरे को दिल्ली में आए हुए 18 साल हो गए और काफी दिल्ली, मेरा पेशा एक ड्राइवरी का है और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो मैंने तो कहीं ऐसा देखा नहीं है, है तो बड़े लोगों के लिए है, जो भी है। अभी बड़े लोग जाते हैं कहीं जिम, कॉर्पोरेट पार्क जाते हैं, ये जाते हैं यहाँ से। अगर यहीं ऐसी जगह होती तो लोग यहीं एंजॉय करते, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? काजीरंगा जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, है? तो आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं अगर उनके पास खेलने की जगह नहीं है तो? वो लोग आजकल दूसरी चीजें आ गई, जैसे कि वीडियो गेम्स आ गए, मूवीज आ गई, ऐसे कई सारी चीजें हैं। और जैसे कि फन एंड फूड वगैरह आ गया तो वहाँ पे झूले हैं, ये है, उन पे ही टाइम बिता रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो भी पेरेंट्स ले जाते हैं तभी बताते हैं, अदरवाइज जो टीवी या गेम के आगे ही लगे रहते हैं। STEP is a registered non-profit organization which works with the objective of promoting a culture of peace. It believes that development and peace could be achieved by the power of reclaiming public spaces. The project has three phases. The first phase is public research, finding out about the available parks in the NCR region, starting with South and Central Delhi. With the help of the communities, developing indicators for safety and functionality of these parks, the purpose is to achieve the objectives of building peaceful communities. The second phase is peace education, working with communities to realize action which can be taken to achieve these indicators in their localities. Third phase is peace in action, pilot parks adopted to realize this mission.